हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा बैल बाजू की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमिनोबिटी की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसका नाप बता देता हूँ। जो हमारी बाजू की लंबाई होगी वो 11 इंच की लंबाई होगी और 10 इंच की गोलाई होगी। ये दोस्तों कोहनी तक का नाप है। और उसके बाद जो टोटल हमारी लंबाई होगी बाजू की वो आएगी 18 इंच की, यानी कि जो हमारे 7 इंच बचेगा, हम 7 इंच में जो है बैल बाजू को तैयार करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से कटिंग होगी तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा तकरीबन 1.25 मीटर है। आप इसे पहले प्रेस से अच्छी तरह साफ़ कर लें, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना होगा आगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे प्रेस से साफ़ कर लिया है और ये हमारा डबल कपड़ा बिछा है। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल आप इसे इस तरीके से करें और जैसे अपनी हर बाजू को कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको कपड़ा बिछाना है। और देखिए, इस पर हल्की सी प्रेस लगा लेंगे जिससे कि हमारी सेंटर क्रीज बन जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर एक निशान लगाएँ। उसके बाद यहाँ से जो निशान लगेगा, मुड्ढे का निशान होता है, हम यहाँ पर रखेंगे 3.5। बाजू की लंबाई 11 है तो यहाँ 11.5 का निशान लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को दोस्तों हम कर लेंगे सीधा फुट्टे की मदद से। अब दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका आर्मोल होगा आप उतना नाप रखेंगे। मेरा 7.25 आएगा तो यहाँ पे मैं 7.25 पे निशान लगाऊंगा। जो हमारी गोलाई है दोस्तों वो हम रखेंगे 10 इंच। तो देखिए 10 है तो हम उसका आधा 5 इंच निशान लगाएंगे और आप इसको इस तरीके से मिला के निशान लगा लें। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे अपनी हर बाजू को कटिंग करते हैं सेम आप इसे भी कटिंग करेंगे और यहाँ से तकरीबन 1/2 इंच आपको छोड़ना है मार्जिन और इसे कटिंग करेंगे। और यहाँ से आपको जितना मार्जिन देना है उतना कटिंग कर लें। फिर आप एक कट यहाँ लगा लें, एक कट आपका मुड्ढे का होगा, एक आपका यहाँ पे जोड़ के लिए। उसके बाद अपनी बाजू को आप इस तरीके से ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फ्रंट जैसे हम छाटते हैं आप अपना फ्रंट यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये बाजू कटिंग होगी, ये बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, तो देखिए हमारी 11 इंच है तो हमने 11.5 लिया है, बाकी यहाँ पे मार्जिन जाएगा तो 11 इंच की तैयार हो जाएगी। हमारी टोटल बाजू 18 इंच है तो यहाँ पे हमें 7 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए दोस्तों ये हमारा कपड़ा बचा है जो कि तकरीबन 0.5 मीटर के आसपास है। तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर कपड़ा ये हमारा डबल है, आपको मैं बता देता हूँ। पहले डबल तय होगी हमारी, इस डबल तय को आप इस तरीके से करें। देखिए डबल तय है ना, आप इसको डबल तय को इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से करने के बाद पहले इस पर प्रेस लगा लेंगे जिससे कि बैठ जाए क्रीज आपकी। इसमें झोल नहीं होनी चाहिए इसलिए आप इसमें प्रेस लगाते रहें। फिर आपको क्या करना होगा, आप अपनी इस बाजू को ऐसे कर लें, इसे हम कहेंगे 8 तय। ठीक है, अब एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी डबल तय होगी, ये देखिए हमारा ये कपड़ा था, ये हमारी डबल तय हो गई। ठीक है, ये हमारी 4 तय हो गई और ये होगी हमारी 8 तय। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ये हमारी 8 तय है, इस पर भी हम हल्की हल्की प्रेस लगा लेते हैं जिससे कपड़ा फ्रेश बैठेगा। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो जैसे हमारी 10 इंच की मोरी है तो ये हमारी जो है इसके अंदर हमें 1/4 भाग रखना है, क्योंकि हमारा ये खोलने के बाद चारों तरफ होगा। तो हम 2.5 इंच का करीब यहाँ पे मार्जिन रखेंगे जो कि 2.5, 2.5, 5 और पूरा 10 इंच के आसपास हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2.5 इंच का निशान यहाँ पर आ रहा है आपका, इसलिए आपको क्या करना होगा, इस जगह पर एक निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद आपको ये इस तरीके से नापना है। तो जैसे 1.5 इंच एक सूत है, आपको यहाँ पे नापना होगा 1.5 इंच एक सूत, यहाँ पे निशान लग गया। और इसे हल्की से गोलाई देंगे हम, तो देखिए हमने यहाँ पे हल्की गोलाई दे दी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे इस तरीके से नापें पहले। तो देखिए हमारा 2.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट ये 2.5 इंच यहाँ पर हमारा आने लगा। ये देखिए 2.5 इंच आ गया, यानी कि 5 इंच है। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है जब आपका ये वाला हिस्सा, क्योंकि हमारे ये दवाओं में चले जाएगा तो ये हमारा पूरा 2.5 इंच आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर ये गोलाई में कटिंग कर लेना है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। तो ये जो निशान है आपको 7 इंच लेना है, तो यहाँ पर आप निशान पे तकरीबन 7.5 पे इस तरीके से निशान लगाना है गोलाई में। देखिए 7.5 7.5 7.5, तो ये देखिए हमने यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम इसे कटिंग करेंगे निशान के ऊपर ही। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया। अब इसे हम इस तरीके से ओपन करके देखेंगे। तो ये देखिए ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारी जो है पूरी गोलाई में जो है कटिंग हो जाती है। अब इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे और किस तरीके से इसके बाद जो बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मशीन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी यहाँ की गोलाई आ रही है, आपको यहाँ की गोलाई पूरी लेनी है। यहाँ के अगर 19-20 आपके कोने बनते हैं तो ये आपके बाजू जब चढ़ेगी तो उसमें नहीं दिखेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें से हम एक पल्ला ले लेते हैं और अपने इस बाजू में से भी एक पल्ला ले लेते हैं हम निशान वाला, ठीक है। और इसे आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बनेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम जो आपका है, ये जो निशान है इस निशान पर हम लगाएंगे इसको सिलाई, और इस सिलाई से अपने कुटके तक लेके बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे, ठीक है। ये एक कट हमारा ये हो गया, एक सिलाई का निशान हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। इसको हम अब सीधा कर लेते हैं बाजू को। तो ये देखिए हमने बाजू को यहाँ पे सीधा कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये हमारा सीधी वाली साइड है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ये हमारी सीधी वाली साइड है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप इसको भी ऐसे कर लें, ठीक है, और यहाँ पे आप कट लगा लें जिससे आपको पता रहेगा कि हमारा ये सेंटर वाला हिस्सा क्या है। देखिए आमने सामने हमारे ये कट लग चुके हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये किस तरीके से आपको बाजू चढ़ानी, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। देखिए ये जो कट है और ये हमारा कट है, ये ऊपर वाला हिस्सा है साइनिंग वाला, तो ये हमारी बाजू जब सीधी होगी तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल ये कट से आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है, और ये कट पे आपको इस तरीके से लेके चलना है। देखिए कट से कट मिला लिया आपने। अब आप अपनी मशीन को ऐसे रखें, इस तरीके से करके बाजू का जो फ्रिल हमने काटा था वो नीचे रहेगा, बाजू जिसमें जोड़ी थी हमने सीधी वाली हिस्सी वो ऊपर रहेगी। आप यहाँ पे इसे सिलाई लगाएंगे, तो पहले हल्की सी सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए 8 इंच के मार्जिन से आपको ऐसे लेना है। इस तरीके से लेने के बाद आपको ये हल्की हल्की सी सिलाई लगेगी, क्योंकि इसमें हाथ पूरा अच्छी तरह नहीं चलता, तो आपको यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगानी होगी इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हम इस पर सिलाई लगाते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा थोड़ा आपको हाथ जो है रोक के इसमें चलाना पड़ेगा। और इस तरीके से दोस्तों देखिए आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका जो सेंटर आ रहा है बाजू का, ये हमारे इस कट से मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल ओके आ रहा है ये। तो इसमें कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बस आपको ऐसे हल्का हल्का मिला के सिलाई लगानी है। जहाँ तक आपका कपड़ा फ्रेश बैठेगा, सुई अंदर करके आप इसे उठा लें और फिर इस पर सिलाई लगाएं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। और जब आपका ये यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल कुटके तक, तो ये देखिए आपका ये बाजू का मार्जिन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर, देखिए मशीन नहीं चल रही तो आपको दिखाने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपका बाजू का जोड़ था जो आपने सिलाई लगाई थी। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपल आप इसे इस तरीके से मोड़ लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लग गई, फिर उसके बाद आप इसे ऐसे करें और इस तरीके से करने के बाद आप इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा थोड़ा मशीन का जो तेल है ये इससे काला हो रहा है, लेकिन ये किसी कस्टमर का नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये मशीन का तेल निकल रहा है मेरा, तो ये किसी कस्टमर का नहीं है। और आप इसे बिल्कुल वैसे सेम हल्का हल्का करके आप इसको सिलाई लगाते रहें, तो ये देखिए आपकी बिल्कुल यहाँ पर किसी तरीके की झोल नहीं पड़ेगी, वो फिनिशिंग के साथ ही है आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, मशीन की वजह से काफ़ी जो है कालक लग चुकी है इसमें, क्योंकि मैंने अभी मशीन घर पे रखी थी तो यहाँ पे तेल डाला हुआ था। अब यहाँ क्या करना है, सिंपल आपको दोस्तों यहाँ पे ओवरलॉक कर लेनी है और ये आपकी यहाँ पे बाजू बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैं आपको बाजू दिखाता हूँ, ये देखिए हमारी इस तरीके से बैल बाजू जो है तैयार हो जाएगी बन के। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल सेम ये देखिए आपके यहाँ पे बाजू बन के तैयार है। आपको क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, इस हिस्से में या तो आप पीको करवाएंगे, अगर पीको नहीं करवा सकते तो आपको सिंपल इस तरीके से एक बार मोड़ना है
और इस पर सिलाई लगानी है, और इसको हल्का हल्का इतने बराबर मोड़ते हुए आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। पूरे में सिलाई लगाएंगे इसी तरीके से गोलाई में पूरे। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक बार यहाँ पे सिलाई लगा ली है, और आप इसे एक बार ऐसे पलट के पूरे गोलाई में सिलाई लगाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने यहाँ तक सेट कर लिया, पीछे आपको उंगली रखनी है और फिर सिलाई लगानी है इस तरीके से। फिर आप छोड़ दें और इसी तरीके से करते करते पूरी गोलाई में आप सिलाई लगा लें। इससे क्या होगा दोस्तों, झोलनी पड़ेगी और गोलाई पूरी अच्छी तरीके से बैठेगी। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारी बाजू की फ्री लगी है, जो कि हमारी है 7 इंच की, ठीक है। 7 और 11, ये हमारी 18 इंच की पूरी तैयार हो चुकी है बाजू। और ये देखिए हमारी बाजू है, हमने इस तरीके से इसे जोड़ा है। तो ये इस तरीके से दोस्तों, ये हमारी बाजू जो है दिखेगी आपको बनने के बाद, जो कि अगर हाथ में पहनेंगे तो यहाँ तक कोनी, यहाँ तक फिटिंग होती है, उसके बाद ये फ्री ला जाती है पूरी की पूरी। और दोस्तों आप इस पर ओवरलॉक करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल एकदम ओके हो जाएगी और अच्छी फिनिशिंग आएगी। साथ ही अगर आपके यहाँ पे मोरी टाइट हो जाती है तो आप इसे किस तरीके से लूज़ करेंगे तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई खोल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बाजू खोल ली है, और मान लीजिए आपको मोरी बढ़ानी है, आपको इतनी मोरी बढ़ानी है, ये तकरीबन 1/2 इंच है। तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे तो ये आपके यहाँ से मोरी जो है लूज़ हो जाएगी, ठीक है। मोरी लूज़ हो जाएगी, लेकिन इसमें टाइट करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नाप ऐसा लें कि आपको लूज़ टाइट करने की ज़रूरत भी ना पड़े। लूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, तो देखिए आपने यहाँ पे 1/2 इंच लूज़ करा, उसके बाद ये अपनी बाजू लेंगे और इसको इस तरीके से हमारी बिछी हुई थी, ठीक है, ये आपकी गोलाई में हो गई। सिर्फ 1/2 इंच अगर है तो हम यहाँ पर ओनली इतना इतना पैर काटेंगे, ओनली बस हल्का सा मामूली, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा कवर कर लेगा। तो ये देखिए हमारा ये फिर वाला हिस्सा पूरा का पूरा, जैसे हमने कटिंग करने के बाद जैसे हमने बाजू चढ़ाई थी वैसे ही आप बाजू चढ़ा दें, सेम ये आपकी मोरी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें दोस्तों कम करने का कोई भी फार्मूला नहीं है, आप इसमें कम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, हमेशा बाजू का नाप बिल्कुल ओके लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो टाइट करने की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।